लोग जा रहे हैं थोर से हुंजा की तरफ। तो इनिशियल जो हमारा प्लान है वो यही है कि मतलब यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट और जाएंगे अत्ताबाद लेक। तो नाज़रीन अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, जगह है जिसका नाम है तत्तापानी। यहाँ का ये सीन है कि यहाँ पे ना क्योंकि पहाड़ों में सल्फेट है तो उसकी वजह से यहाँ जो आगे भी आएगी ना पानी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, नेचुरली जो है वो गर्म पानी है बहुत ज़्यादा, इसलिए इस जगह का नाम भी यही है कि तत्ता पानी। अब सराइकी में भी जो है ना गर्म पानी को तत्ता पानी ही कहते हैं। हाथ लगाने के काबिल है। तो नाज़रीन अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं रायकोट और ये आपको सन बोर्ड में भी नज़र आ रहा होगा कि ये गिल के तो वहाँ से फिर आगे फेरी मेट्रो उसका जो है वो रास्ता जाता है। तो नाज़रीन नाश्ता हमारा आ गया, जल्दी करते हैं नाश्ता फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 8:20 तो हमें यहीं पर हो गए हैं और आगे हमने काफ़ी लंबा सफ़र करना है। अभी ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये है काराकोरम, उसके जो पीछे है वो फिर हिंदूकश और ये हिमालय। तो ये तीनों जो है यहाँ पे हाँ सबसे बड़े जो पहाड़ी सिलसिले हैं तीनों वो यहाँ पे मिलते हैं। राकापोशी का जो है व्यू पॉइंट है सामने, ये देखें आप लोग चेक करें सामने बेहतरीन मतलब फुल वाइट फुल कवर्ड जो है ना और शाइनिंग, और क्योंकि धूप पड़ी है तो बिल्कुल वो शाइन कर रहा है बड़ा बेहतरीन। ये जो सामने पानी आ रहा है ये वही उसका राकापोशी का जो है ना ग्लेशियर उसका ठंडा पानी, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं भी यहाँ पे लग रही हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप सब खैरियत होंगे फिट फाट होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो नाज़रीन आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू और अभी टाइम तकरीबन हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं और ये बेहतरीन से नज़ारे आप लोग चेक करें, पहाड़ सूरज अभी निकल रहा है और सीन कुछ इस तरह है कि आज हम लोग जा रहे हैं थोर से चिलास। ओ चिलास तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। हम लोग जा रहे हैं थोर से हुंजा की तरफ। तो इनिशियल जो हमारा प्लान है वो यही है कि मतलब यहाँ से हम निकलेंगे डायरेक्ट और जाएंगे अत्ताबाद लेक और अत्ताबाद लेक देखने के बाद वापस आते वक्त हम लोग जाएंगे हुंजा के अंदर जो है अल्तित फोर्ट और बल्तित फोर्ट। तो बीच में एक दो पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर हमारा रुकने का प्लान है, तो बस ये है कि वो फिर जब सफ़र शुरू होगा तो देखेंगे क्या सारा तरतीब बनती है। तो बस गाड़ी भी रेडी हो चुकी है और दो तीन बंदे हमारे साथ और जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कौन जा रहे हैं। तो बस यही है अभी अपना सफ़र शुरू करते हैं। हाँ तो भाई अभी हमने सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं, जैकेट और बैग मैंने ले लिए। अस्सलामुअलैकुम। तो नाज़रीन एक बार फिर से आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इकबाल साहब ड्राइविंग सीट के ऊपर और पीछे हारिस भाई फिर से दोबारा, और आज जो हमारे साथ नए बंदे हैं वो हैं रमनवाज साहब, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो बस अभी हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं और कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 6 घंटे टोटल, 6-6.5 घंटे लगेंगे। हाँ सही है, उससे पहले मतलब एक दो जगह मामू ने मुझे बताई है रुकने के लिए, रायकोट आएगा रस्ते पहले वहाँ पे एक जगह वो मैं आपको बताता हूँ लिखी हुई है मैंने वहाँ पे रुकने, और मेन तो वही है कहता बात जाके सीधा हम रुकेंगे फिर। तो नाज़रीन अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, जगह है जिसका नाम है तत्ता पानी। यहाँ का ये सीन है कि यहाँ पे ना क्योंकि पहाड़ों में सल्फेट है तो उसकी वजह से यहाँ जो आगे भी आएगी ना पानी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, नेचुरली जो है वो गर्म पानी है बहुत ज़्यादा, इसलिए इस जगह का नाम भी यही है कि तत्ता पानी। अब सराइकी में भी जो है ना गर्म पानी को तत्ता पानी ही कहते हैं। तो एक तो ये है कि जो हम रस्ते में आते थे तो रोड सारा ठीक था, यहाँ का जो रोड भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो अभी बस ये ख़राब रोड को क्रॉस करें और फिर आगे जा कर रुकते हैं। तो नाज़रीन अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं देखने के लिए पानी को, वहाँ पर सामने आ रहा पानी तो चेक करते हैं नीचे वालों जैसे कि अंदर ऐसे जा रहा है अभी क्रॉस करके, मतलब ना सल्फेट की जो खुशबू है ना पानी की जैसे वो भी यहाँ पे आ रही है। नाज़रीन ये पानी यही अच्छा खासा गर्म पानी है। हाथ लगाने के काबिल है? लगाओ। मतलब अच्छा खासा गर्म पानी जितना गीजर वाला गर्म पानी होता है जो कि नेचुरली तौर पे गर्म पानी। हाँ अपने तो आज हैं नहाना, तो आज हैं गर्म है। चलो भाई वापस अपना सफ़र करते हैं कंटिन्यू। चलो जी तो नाज़रीन यहाँ पे अभी हम गुजर रहे थे तो ये ट्रक जो है ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो यहाँ पे गिरा हुआ है
ये सामने एक ट्रक खड़ा है और ये ट्रक। तो नाज़रीन अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रायकोट, और ये आपको साइन बोर्ड पे भी नज़र आ रहा होगा कि ये गिलगित, और वहाँ से फिर आगे फेरी मेटोज का जो है वो रास्ता जाता है। ये यहाँ से जा रही है वाला आगे फेरी मेटोज के ऊपर। अच्छा, ये वाला जो है यहाँ से वो आपको जीप पे, हाँ हाँ ये जीप पे खड़ी है। सही सही सही। तो नाज़रीन ये जो पीछे वाला रास्ता था ये जा रहा है ऊपर फेरी मेटोज, ये जीप्स यहाँ पे खड़ी हैं लोग, क्योंकि वो सारा ट्रैक आप लोगों को पता ही है जो दुनिया का मतलब थर्ड डेडलीस्ट ट्रैक जो है वो फेरी मेटोज का, तो ये जीप्स हैं ये लेके जाती हैं वहाँ तक। तो नाज़रीन अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रायकोट ब्रिज, और ये आप लोग देख सकते हैं। A few moments later. So भाई अभी हम यहाँ पे रुके हैं, हारिस भाई ने कहा कि ये जगह है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे दरिया जो है वो छोटा जाता है ना, तो उसकी वजह से लहरें जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाँ बहुत तेज यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, ये जो ट्रैक जा रहा है सामने, तो ना देख अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं जो कि है राकापोशी व्यू पॉइंट। मैं अभी आपको सामने देख रहा हूँ, और वन टू थ्री को ये आप लोग देखिए सामने, इस जगह का जो नाम है वो है थलीची, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है और वो लिखा भी हुआ है नागा पर्वत व्यू पॉइंट, और वो सामने व्यू है, यह बेहतरीन खूबसूरत सा व्यू है। अभी यहाँ पे आज तो लगी हुई है सभी किस्म की भूख, नाश्ता हमें किसी ने भी नहीं किया, वो यहाँ पता कर रहे हैं नाश्ते का क्या सीन। हाँ जी हारिस भाई को बात बनी कि नहीं? बात बनी है, ये बंदा ठीक लग रहा है। तो भाई नाश्ते का ऑर्डर हमने दे दिया, और यहाँ पे नीचे वहाँ ऊपर खड़े थे, नीचे एक जगह बड़ी बेहतरीन थी, यहाँ बैठते हैं सामने से व्यू एंजॉय करते हैं और नाश्ते का वेट करते हैं। तो नाज़रीन नाश्ता हमारा आ गया, जल्दी जल्दी करते हैं नाश्ता, फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 8:20 तो हमें यहीं पर हो गए हैं और आगे हमने काफ़ी लंबा सफ़र करना है अभी, तो नाश्ता करते हैं। आपको 80 का देगा, हाँ। तो भाई नाश्ता हो चुका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी हम चल रहे हैं सीधा, और अब हम कहीं और ब्रेक नहीं मारी, नाश्ते के हमारा स्टॉक था वो जो कि हमने अब कर लिया, तो हम बेहतरीन सब नाश्ते के साथ बेहतरीन सा व्यू भी एंजॉय कर रहे थे, और अब हम निकल रहे हैं आगे सफ़र पे। चलो जी, अभी हम लोग ये क्रॉस कर रहे हैं जगलोट, और जगलोट के बाद जो है फिर वो शुरू हो जाएगा गिलगित। तो ये जो आप साइड आप देख रहे हैं बाजार और आबादी, ये जगलोट की है। तो नाज़रीन अभी जगलोट से आप लोग थोड़ा सा ही आगे आएंगे तकरीबन 10-1 मिनट पे, तो आप लोगों को ये वाला जो एक व्यू पॉइंट है ये मिलेगा। अब इस व्यू पॉइंट की मजे की बात क्या है कि यहाँ पर जो जितनी भी तीनों जो पाकिस्तान की हाइस्ट माउंटेन रेंजेज हैं ना, वो यहाँ पर आके जुड़ती हैं। ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये है काराकोरम, उसके जो पीछे है वो फिर हिंदूकश, और ये हिमालय। तो ये तीनों जो है यहाँ पे, हाँ सबसे बड़े जो पहाड़ी सिलसिले हैं तीनों वो यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जंक्शन है उनका, ये पॉइंट सा बना हुआ है यहाँ पे ऊपर व्यू पॉइंट, और ये सीन है मतलब जगलोट से आप लोग आएंगे तो तकरीबन 10-1 मिनट बाद मैक्सिमम ये आपको ये व्यू पॉइंट नज़र आ जाएगा। तो नाज़रीन ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जंक्शन है, जिसे एक रोड जो है राइट वो जा रहा है स्कर्दू को, वो जो उस तरफ आप लोगों को नीचे रोड नज़र आ रहा है ना वो जाता है, ये जंक्शन है, यहाँ से राइट जो है वो जाता है स्कर्दू के लिए, और हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधा। तो हम यहाँ पे वो राइट के, हम यहाँ से लेफ्ट आ गए, यहाँ से स्केल जो है वो आप 45 किलोमीटर। तो नाज़रीन अभी रास्ते में आ चुके हैं टनल, और टनल के अंदर अभी हम इंटर हो रहे हैं पाक चाइना परी टनल। तो नाज़रीन यहाँ से शुरू हो चुका है गिलगित, अभी हम गिलगित में इंटर हो गए हैं, ये जो आप साइड पर देख रहे हैं हमारी सारी ये गिलगित की है, और मतलब यहाँ से गिलगित शहर तो नहीं, हम लोग तो उसके साइड से ही तो रास्ता मुड़ता है जो आगे हमजा की तरफ जाता है, तो हम लोग वहाँ निकल जाएंगे और वो मैं को दिखाऊंगा रास्ता जहाँ से जो शहर के अंदर जा रहे हो। तो नाज़रीन सीधा जो मैं को बता रहा था ना, जो सीधा जा रहा है ये जा रहा है गिलगित सिटी के अंदर, और हम लोग जा रहे हैं हमजा की तरफ, तो यहाँ से हम मुड़ जाएंगे राइट की तरफ, और ये सीधा जो है ये जा रहा है सिटी के अंदर रास्ता। हाँ तो नाज़रीन ये जो सामने आप लोग देखें ग्रीनरी, और वो जो रास्ता ग्रीनरी अंदर जा रहे हैं ना, ये जा रहे हैं नलदल वैली की तरफ, हरी से बता रहे हैं आगे एक होटल आएगा, होटल के साथ से रास्ता जो है वो जाता है और फिर ये आगे जाता है नलतर की तरफ। तो ये वाला जो रास्ता ये जाता है 4x4 गाड़ियों के लिए, सिर्फ नॉर्मल गाड़ी के लिए गिलगित से ज़्यादा रास्ता ना,
आम गाड़ी के लिए गिलगित से जाता है, वो सही रोड है, ये ट्रैक के लिए बनाया है, वो लेकिन ट्रैक बना हुआ ना, हाँ हाँ, वो जो ज़िगज़ैग सा है, नंदर वैली की बैक साइड से जो ब्लू लेक है और ये, हाँ हाँ, ना ये जो रोड है ना, जो जा रहा है नीचे ना उतना ऐसा, ये जा रहा है नंदर की तरफ, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधा, तो नाजीन अभी हम लोग इंटर हो रहे हैं नगर के अंदर, नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो नाजीन वो सामने आपको देखेगा, आप लोगों को नजर आ रहा होगा त्रागापोशी, मतलब बेहतरीन व्यू पॉइंट है यहाँ से, इतना नाजीन अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे राकापोशी का जो है व्यू पॉइंट है सामने, ये देखें आप लोग चेक करें सामने, बेहतरीन मतलब फुल वाइट फुल कवर्ड जो है ना, और शाइनिंग, और क्योंकि धूप पड़ रही है तो बिल्कुल वो शाइन कर रहा है, बड़ा बेहतरीन है, जो सामने पानी आ रहा है ये वही उसका राकापोशी का जो है ना ग्लेशियर, उसका ठंडा पानी, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं भी यहाँ पे लग रही हैं, सामने आप लोग चेक करें, ये रास्ता वैसे जाता है ऊपर, यहाँ से लोग जाते हैं ऊपर, मतलब उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप गाड़ी में जा सकते हैं आगे, फिर थोड़ी देर पैदल रास्ता है तो आगे जाके जाता है, जो उसका बेस कैंप है ना उसका व्यू है वहाँ पे, ये सारा वो ग्लेशियर वाला ही आ रहा है ना, निकल रही है ये नाजरीन, आप लोग चेक करें पानी के प्रेशर को, मतलब जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं ना तो हवा भी ठंडी होती जा रही है पानी की वजह से, ठंड ठंडी हवा महसूस हो रही है, और सामने बेहतरीन सा नज़ारा है, क्या बात है सुभान अल्लाह, ये आप लोग चेक करें पानी, अगर आप लोग एक तरफ देखें तो आपको बर्फ़ वाले बेहतरीन से पहाड़ नज़र आएंगे, और इसी का हम स्विच करें सामने सख्त पत्थरों वाले पहाड़, ठंडा दिन चेक करते हैं पानी कितना ठंडा है, फुल मतलब यख बर्फ़ वाला पानी, रात दिन मतलब अंदर हाथ नहीं डालते थे इतना ठंडा पानी, नाजरीन अभी हारिस भाई को चैलेंज मिला है कि एक मिनट इस पानी के अंदर हाथ रखना है, अब देखते हैं कितनी देर रख पाते हैं, नीचे रख पूरा हाथ को, 10 सेकंड हो गए, 15 बस हो गया 20 अभी तक सुन हो गया होगा का, आप रखी नहीं गए, मुंह बना रहे 30 सेकंड आप रख लोगे, रह कौन सी कद्दू कितनी देर रखा जाता है, चलो भाई अभी अभी रखते हैं एक मिनट के लिए, पांच सेकंड हो गए, जम गया मेरा हाथ, कितना रखा है मैंने, तो 5 सेकंड रखा है, 30 सेकंड, चलें जी टाइम शुरू हो गया आपका, दस सेकंड हो गए हैं, चार तीन दो एक, पूरा एक मिनट हो गया, जम गया बिल्कुल, तो नाजीन अभी हम आ गए वापस गाड़ी में, मेरा हाथ तो अभी सही हो चुका है, पिछले उम्मीदवारों से पूछते उनके क्या सूरत है, अभी तो 30 सेकंड रखा था उनका नॉर्मल हो गया, आपने पूरा एक मिनट रखा था ना, एक मिनट रखा और अभी भी सही नॉर्मल नहीं हुआ, एक मिनट से पहले भी आपने रखा हुआ था, उससे पहले भी रखा हुआ था, टाइम तक मैं आपको बता दूँ टाइम हो चुका है 11:15 और बस हम आगे पहुँचते हैं, तो भाई अभी हम लोग रास्ते में यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, ये सामने ड्राई फ्रूट की शॉप है, हारिस भाई क्या क्या है, चेरी ड्राई वाली है या खुश चेरी है ना, तो भाई अभी हम भी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, वो बाजार जो आगे कपड़ों वाला बाजार है जहाँ पे खाने मिलते हैं वो कितनी दूर है यहाँ पे, तीन रास्ते हैं इस तरफ, इस तरफ उस कोने में ही वो रोटी बनाते हैं, उधर से जाके पता कर लो,
ठीक है बहुत शुक्रिया। हम चेक कर रहे हैं, चले भाई चेक कर। तो ख़वातीन और हज़रात, अभी हम लोग इंटर होने वाले हैं अत्ताबाद लेक की जो टनल है उसके अंदर, और बस हम तक में पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ा सा सफ़र रह गया हमारा, तो अभी हम टनल के अंदर इंटर हो गए हैं। तो नाज़रीन, ये भी आप लोग देख सकते हैं, टनल ख़त्म हुई तो साथ ही ये जो लेक का पानी वो शुरू हो चुका है, और आगे अभी ये तीसरी टनल आ रही है। जो दूसरी वाली थी वो इतनी लंबी टनल थी, इतनी लंबी, मेरे ख्याल से कोई चार या पाँच किलोमीटर की टनल थी, उसमें तो एंड में मैंने आगे बंद कर ली थी। ये पिछली आवाम का भी यही हाल था, मैंने तो सांस रोक ली, सांस मैंने भी आगे बंद की हुई थी, मैंने कहा बस आप गुजारा नहीं है, बस हल्की हल्की रोशनी नजर आई है मुझे तो मेरा सांस मेरे का। ओके, अभी एक नई शुरू होगी है, अल्लाह खैर करे। अब ये पता नहीं कितनी है, और अत्ताबाद पहुंच कर फिर हम नया व्लॉग शुरू करेंगे, उसमें अत्ताबाद हो गया, फिर वापस करीमाबाद जाएंगे, अल्तिफ फोर्ट जाएंगे, तो भी एक अच्छा लंबी सी वीडियो है, उसकी भी अच्छा कॉन्टेंट बन जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी दिल करे कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो बस यहीं से हम अपना जो ये होगा पार्ट वन और पार्ट टू शुरू करते हैं। ओके,